हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आए कब से भी अच्छे हैं और सोचते हैं शाम के ब्लॉग, इवनिंग के टाइम से मैंने ब्लॉग की किया स्टार्टिंग ही। मैं मार्केट गई थी कल, तो मैंने मुझे मेरे लिए खुद के लिए दो लोवर पसंद आ गए, तो लोवर लेकर आई मैं। तो मैंने ग्रीन में चेक किया और एक ब्लू कलर का लिया। मैंने प्रिंट में उसका कपड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, नमसा को क्या होता है। और आधा सारा ध्यान मेरी बेटी की तरफ था, इतना डर था कि वो बैट वगैरह में इतना डबा ले, वो इधर उधर भाग रही थी। और कैमरे का भी मुझे डर था कि मुझे एक हाथ लगा कैमरे का करती हूँ उसे। उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहा धोकर पहना इसको। काफ़ी अच्छा सॉफ्ट कपड़ा, मैंने पिंक टी शर्ट के साथ इसको मैच कर लिया। बस सुबह के 9 बजे के तो भाई ने बना ली थी सैंडविच ड्यूटी पे जाने से पहले। तो सैंडविच में उसने दादा पनीर और आलू को मैश करके प्याज हमने स्किप कर दिया था। फिर भाई बेटी के लिए, अपनी भांजी के लिए कुछ ले आया था सामान, यहाँ पर बिस्किट वगैरह थे, प्रिया कोल्ड के नमकीन थे, क्योंकि बच्चों के साथ में सब चीज़ें रखनी पड़ती है। मैं नहा ली थी, नहा के मैंने फिर ब्लॉग दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। अब खाऊंगी मैं खाना, जिसमें थी आलू की सब्ज़ी और सिंपल रोटी। और हम अच्छी से बात करती ब्लॉग शूट करते करते ही पड़ोस वाली आंटी थी, बाहर आ गई थी इसलिए, तो पूछ रहे थे कैसे ब्लॉग्स कैसे करते हैं कैसे नहीं। फिर मैंने बोला थोड़ा फ्री टाइम हो जाएंगे, चलो मैं कर लेती हूँ फॉर्म, और आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। और आ गया मेरा खाना, तो मैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी दोपहर के टाइम को फेसपैक। जो फेसपैक की रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने ली एक बाउल, बाउल के अंदर डाली मैं थोड़ा सा गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा हमारे चेहरे के लिए सारी गंदगी निकालने में हेल्प करता है, वो ही काम बेसन भी करता है। बेसन थोड़े दाग दर पर हटाने में भी हमारा काम करता है चेहरे में। तो एक चम्मच बेसन लूँगी, एक चम्मच आटा लूँगी और थोड़ी सी मैं लूँगी हल्दी। और हल्दी क्वांटिटी अपनी मर्जी से रखना चाहते हो जैसा रख सकते हो। उसके बाद इसका थिन पेस्ट बना के हमने चेहरे पर अप्लाई करना है। ज़्यादा मतलब जिसको बोलते हैं ना गाढ़ा पेस्ट तैयार नहीं करना, वो चेहरे पर चिपक जाएगा आटा और बेसन, तो उतरने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पतला ही पेस्ट रखना ताकि आप वॉश करते टाइम देखा, नेक पर लगाना चाहते हो नेक पर भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमने फेस वॉश कर लिया था 15 मिनट के बाद, और देखो कितना अच्छा रिजल्ट है। मुझे को तो भाई एक नंबर का रिजल्ट लगता है इसका, जब भी मुझे हफ्ते में टाइम लगता है मैं ये कर लेती हूँ। बाकी आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखो, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं।